हिसार में डीसी कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय बलराज सूरा की मृत्यु के बाद आज हिसार में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बलराज सूरा की बुधवार शाम को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आज गुरुग्राम से सीधे शव को हिसार के सेक्टर 1617 स्थित शमशान गृह में लाया गया और यहां उनका संस्कार एक कोरोना पॉजिटिव केस मानकर ही किया गया है। इसके लिए कोरोना पॉजिटिव मृतक के लिए अपनाए जाने वाला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया गया। प्रशासन की तरफ से रात को ही अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और शमशान गृह के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया था। प्रशासनिक व पारिवारिक लोगों के अलावा किसी को शमशान गृह तक के नजदीक नहीं आने दिया गया। परिजनों और अन्य कर्मचारियों को पीपीई किट पहनाकर ही अंतिम संस्कार किया गया। यहां तक कि आसपास के क्षेत्र और शव लाने वाली एम्बुलेंस को बाद में सैनिटाइज भी किया गया। नगर निगम की तरफ से भी इस अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। क्षेत्र को सैनिटाइज कराने के काम नगर निगम की तरफ से किया गया था। यहां आपको बता दें कि डीसी कॉलोनी निवासी बलराज सूरा का 9 अप्रैल को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम जाने से पहले उनका जिंदल अस्पताल हिसार में इलाज चल रहा था। यहां उनके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन गुरुग्राम में इलाज के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि उसके बाद उनकी 4 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 22 अप्रैल को उनकी मृत्यु से पूर्व ही उनको कोरोना आईसीयू से निकालकर सामान्य आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। गुरुग्राम के सीएमओ के अनुसार उनकी मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई बल्कि दूसरी बीमारियों के चलते हुई है। इसके बावजूद हिसार प्रशासन ने आज कोई भी रिस्क ना लेते हुए उनका अंतिम संस्कार कोरोना पॉजिटिव मृतक के तौर पर ही किया। हालांकि 4 रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण परिजनों को तो अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी करने और मुखाग्नि देने की इजाजत भी दे दी गई। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। आज ये पेशेंट जो थे कोविड-19 से फ्री घोषित कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है फॉलो किया गया, तो इसमें नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां की गई थी? सर, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी रखी थी। बाई चांस अगर कोई डॉक्टर्स की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन आती हैं तो हमने पूरी पीपीई किट लेकर के पूरी टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है और पूरा जो डिस्टेंस है, जो सोशल डिस्टेंस है, वो मेंटेन करवा करके और पूरी उसके साथ हम लोगों ने प्रयास किया। तो उसमें मतलब आपने किस तरीके की तैयारियां दी? तैयारी जैसे हमने पीपीई किट दे करके जैसे भी हमारी गाड़ी आई उसको सैनिटाइज करा दिया, इससे पहले सैनिटाइज करा दिया है, और अभी जैसे ये दाह संस्कार हो जाएगा उसके जब ये शाम को जैसे उसके तुरंत बाद फिर इसको दोबारा सैनिटाइज करवाने का काम जो नगर निगम की टीम है वो पुनः इसको सैनिटाइजेशन का काम सुबह भी मैंने एक बारी बल्कि पूरी टीम लगा करके, क्योंकि हो सकता है इनके कुछ 2-4 रिश्तेदार आए तो किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने इसको पहले भी सैनिटाइज करवा दिया, बाद में सैनिटाइजेशन के लिए, और हमारी टीम पूरी की पूरी मौजूद है। तो ये सैनिटाइज जो मतलब ये कराया था ना? सर बताएं, जो डीसी कॉलोनी निवासी बुजुर्ग की आज जो मौत हुई है उसका फ्यूनरल के लिए बॉडी लाई गई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये बलराज सूरा जी लगभग 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव की एक रिपोर्ट आने के पश्चात ये जो है ना हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो कोविड-19 की जो रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो उनकी लगातार 3-4 रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, और उससे पहले जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उससे पहले भी इनकी सारी की सारी नेगेटिव आई थी, और ये कुछ पिछले 3-4 महीने से लगभग बीमार थी। इनको किडनी और लंग्स की प्रॉब्लम थी और शुगर के जो है ना बड़े सीरियस पेशेंट थे, तो उसके पश्चात इनकी कल रात को इनकी शाम को वहाँ गुड़गांव के मेदांत हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई। तो वहाँ से हमें जो रिपोर्ट रिसीव हुई थी वो सारी की सारी जो है नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट थी, कोविड-19 पेशेंट। लेकिन क्योंकि मेदांता से आ रहा था वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स का जो इलाज हो रहा है तो संक्रमण की जो है ना काफ़ी संभावनाएं थी, तो हमने पूरे अपनाए, हमने 10-12 आदमियों से ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिए, उनके परिवारों को समझाया, इनकी लेडीज़ को समझाया। हालांकि ऐसे हालात में इन चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इमोशंस को एक तरफ रख के और बाकी सुरक्षा, इन लोगों की खुद की सुरक्षा और हिसार शहर की सुरक्षा सबको हमने सर्वोपरि रखते हुए हमने किसी भी प्रकार की कोई इनको रूल्स को ब्रेक नहीं होने दिया, और जो हमारी SOP है रिगार्डिंग क्रिमेशन ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हमने इसको कोविड पॉजिटिव की उसमें डाल के रख के और उस संभावना से इनकार नहीं किया, कोविड-19 की पॉजिटिव के हिसाब से SOP के अनुसार ही इनका क्रिमेशन करवाया गया।
तो इसमें से जो अंत्येष्टि नंबर दो बात क्या है कि इनका जो एरिया है डीसी कॉलोनी के रहने वाले थे वो हमने कंटेनमेंट जोन में डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी इनके जो शव था वो शव सीधा वहाँ से हमने यही मंगवाया है अपना कि सीधे शमशान घाट लेके आए, इन्होंने इस बात की पालना की और सीधे शमशान घाट में यहीं आके बाकी जो लास्ट राइट्स इनके जो घर वाले जो निभाते हैं वो सारे यहीं करवाए गए और यहीं से इनका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार क्या बेटे की तरफ से किया गया प्रशासनिक अधिकारी को? नहीं, ये क्योंकि ये जो कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट थी तो इनके परिजनों ने ही किया है, हालांकि इस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी थी और इनके जो डेड बॉडी को जो उठाने वाले थे जिनको जिनके कंधों पे शव शमशान गया है उन सबको पीपीई किट चाहिए, इनके परिवार के थे चाहे कोई था सबको पीपीई किट पहना के इवन डेड बॉडी को भी पीपीई किट पहना के और तब आगे भेजा गया है और जो एम्बुलेंस गुड़गांव से आई थी उसको भी सैनिटाइज कर एंड द एरिया वेयर द डेड बॉडी वॉज कैप्ट जो दीवारें हैं जहाँ पे लोग बैठे थे या खड़े थे उनके आसपास जो कच्चा एरिया है वो सब को पूरा जो है पहले से ही हमने तैयारी करके रखी हुई थी और वो सारा का सारा सैनिटाइज करवा दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.